हेलो एवरीवन, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है। काफ़ी लोगों को कॉलेज नहीं मिला है। कॉलेज नहीं मिलने की सिचुएशन में आपके पास चॉइस होती है, या तो आप सेकेंड राउंड की लिस्ट का वेट करें, या फिर किसी और प्राइवेट कॉलेज या किसी और अल्टरनेटिव में अपना ट्राई करें एडमिशन। नाउ दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे डीयू के बाद एक मेजर यूनिवर्सिटी आती है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसमें काफ़ी अच्छे और पॉपुलर कोर्सेज हैं। और टॉप फाइव कॉलेज की बात करें तो जो काफ़ी अच्छे हैं, हम उन्हें प्रायोरिटी देते हैं। दिल्ली के जो एवरेज कॉलेज हैं उनसे ऊपर भी हम उनको रख सकते हैं। नाउ अब IPSC का एग्ज़ाम भी हो चुका है, आपका CSAS पोर्टल की काफ़ी फेजेस कंप्लीट होने के बाद जब लिस्ट आने शुरू हुई हैं, अब आपके पास सिचुएशन सिर्फ यही बचती है कि या तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, या आपने कोई और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका वेट करें। अब हम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करते हैं तो उस सिचुएशन में उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, लेकिन अभी CUET के थ्रू भी IPU एडमिशन लेता है। ना जो लोग अब IPU में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा में जो है किसी भी कॉलेज में IPU में 10% सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहती हैं। ना अब मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके सेपरेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर किसी भी कॉलेज में जाके जिसमें आपको एडमिशन चाहिए उसमें जाके आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप पहले वहाँ कॉलेज जाइए, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए मैनेजमेंट कोटा में कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, क्योंकि बहुत सारे इसमें इफ एंड बट्स आते हैं। तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का मतलब है आपको 25,000 पे करने पड़ेंगे, 5,000 उसमें से वापस आपके डिडक्ट हो जाएंगे और 20,000 मिलेंगे अगर एडमिशन नहीं होता है। तो अननेसेसरी आप ऑलरेडी बहुत सारा अमाउंट पे कर चुके हैं, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप दोबारा IPU के मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करें और ऑनलाइन अप्लाई करें और कॉलेज में कुछ और कंडीशन निकल के आएँ। तो आपको अगर मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन चाहिए, जिसकी लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है, पहले वो डेट 31 जुलाई थी पर एक्सटेंड होकर वो अभी 4th अगस्त हो चुकी है। तो अगर आपको उसमें एडमिशन चाहिए, कुछ काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं उसमें, जैसे कि हम बात करते हैं BBA या BCOM ऑनर्स की, जो बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज हैं। मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी काफ़ी पॉपुलर है, इंग्लिश ऑनर्स इज़ वेरी पॉपुलर। तो ये सब कोर्सेज हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, तो आप उनमें ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका DU में अगर बिल्कुल ही स्कोर कम आया है, या फिर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना है, तो या उम्मीद है या कोई रेफरेंस है आपका, तो मैनेजमेंट कोटा में आप IPU में ट्राई कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना कहना है यहाँ पे अभी कि मैनेजमेंट कोटा की जो डेट है वो भी एक्सटेंड हो चुकी है, आपके पास 2 दिन बाकी हैं, एक आज का और एक कल का, जहाँ पे आप मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो IPU का जो नोटिफिकेशन है एक बार वो देख लेते हैं। तो IPU का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है रिगार्डिंग द एक्सटेंशन, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल फॉर सीकिंग एडमिशन इन मैनेजमेंट सीट्स इन वेरियस प्रोग्राम्स बीइंग कंडक्टेड इन सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट। मैनेजमेंट कोटा इज कंडक्टेड इन सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट इज एक्सटेंडेड अप टू फ्राइडे। तो आपका जो है यहाँ पे जो एक्सटेंड हो गया है वो फ्राइडे तक एक्सटेंड हो गया है। तो जो लोग एडमिशन में लेना चाहते हैं इसमें, वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज है, द डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजमेंट सीट एंड एजुकेशन रिगार्डिंग द कोड ऑफ काउंसलिंग एडमिशन प्रोसीजर विल बी नोटिफाइड सेपरेटली बाय 1st ऑफ अगस्त। ये अभी तक कहीं नोटिफाई नहीं हुआ है, बहुत सारे इसे इफ एंड बट्स हैं मैनेजमेंट कोटा में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरा सजेशन ये है आपसे, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मैनेजमेंट कोटा में तो डेफिनेटली आपको कॉलेज विजिट करना चाहिए। उसका प्रोसेस क्या होगा वो एग्जैक्टली वहीं से पता लगेगा, सबके लिए प्रोसेस अलग अलग भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर मेरिट। आपके पास ये बैकअप ऑप्शन भी अवेलेबल है अगर आपका DU में नहीं हुआ है, तो कुछ और बैकअप ऑप्शन हम लेके आएंगे, बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेके आएंगे। अगर आपका DU में नहीं हो पा रहा है तो आपके पास और कौन से ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं जहां एडमिशन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।